इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं मिसाइल मैन श्री ए पी जे अब्दुल कलाम से साहब की इन पंक्तियों के साथ जय हिंद छात्रों मैं इशार अहमद कंपटीशन कम्युनिटी के इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतरता पर्याप्त रखे होंगे छात्रों हमारा जो विषय चल रहा है वो भारतीय भूगोल चल रहा है जैसे कि निरंतर आपको वीडियो मिल ही रहे हैं और जो है आज का टॉपिक है हमारा आपका जनगणना से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आज इस सत्र में हम देखेंगे तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए प्रश्न सत्र को हम प्रारंभ करते हैं आइए छात्रों हमारा विषय है भारतीय भूगोल और यहां दिखाई दे रहा है आपको के जनगणना भारत की जनगणना से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो आज इस सत्र में हम करेंगे और साथ ही याद रखिएगा साथियों पहले हम कुछ डिटेलिंग देखेंगे ठीक है जनसंख्या के आंकड़े जनसंख्या के आपके इतिहास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जनसंख्या सबसे पहले प्रारंभ कब हुई ठीक है नियमित रूप से जनसंख्या कब प्रारंभ हुई ठीक तो उस प्रकार से हम इस सत्र में देखेंगे पहले डिटेल फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको छात्रों लिखाया हुआ भारत की जनगणना की शुरुआत अट्ठारह में लॉर्ड मेयो के समय में हुई ठीक है वायस राय थे उस समय के लॉर्ड मेयो जो जब इन्होंने आपका जनसंख्या की शुरुआत की लेकिन छात्रों यहाँ एक अपवाद है प्रश्न हमेशा पूछता है कि नियमित रूप से अगर जनसंख्या जो है प्रारंभ कब से हुई तो इस प्रकार से याद रखना है कि नियमित रूप से जनसंख्या जो है वो अट्ठारह में चालू हुई और इस समय के अगर पूछ पूछ बैठा यहाँ लिखाया नहीं है कि इस समय में पूछ बैठा कि नियमित रूप से जनगणना जन... जन... जो है अट्ठारह में प्रारंभ हुई लेकिन इस समय के वायस राय कौन थे तो याद रखना है लॉर्ड रिपन इस समय के वायस राय थे बहरहाल ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का तथ्य है, लेकिन हमें इसे जनगणना के दृष्टिकोण से याद करना अनिवार्य है।, है।, सर्व है, है, है? है, है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अब यहां दिखाई दे रहा है भारत में जनगणना संगठन जो है जनगणना संबंधित आंकड़े जारी करता है ठीक है इस प्रकार अगला तथ्य हमारा इसका सबसे उच्च अधिकारी इसका सबसे उच्च अधिकारी जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ठीक है ये कहलाता है जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पास भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ठीक है जो कि वर्तमान के कौन है आपके विवेक जोशी ठीक है बिल्कुल इस तथ्य को याद रखना है ठीक करेंट से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपका जनगणना से रिलेटेड ठीक है चलिए आइए दो में पंद्रहवीं जनगणना ठीक है 2011 में जो हुई है वो पंद्रहवीं जनगणना है लेकिन अगर पूछ बैठा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम का जनसंख्या है जनगणना है तो याद रखना है सातवें क्रम का जनगणना यहां दिखाई दे रहा है आपको ठीक है तो इस प्रकार के तथ्य याद रखने जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं आगे ठीक आइए जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व में सबसे युवा देश है जो कि 2020 तक के का लक्ष्य था कि भारत में जो है सबसे ज्यादा युवा है तो 29 वर्ष इसका औसत निकाला गया था ठीक है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपका इतिहास से रिलेटेड 2020 तो इतिहास हो गया ना जी ठीक है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे यहाँ 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है जो कि विश्व की जनसंख्या का आपका सत्रह दशमलव पाँच प्रतिशत है लेकिन आपका स्थान कौन सा है तो दूसरा स्थान है ठीक है लेकिन ये 2011 की जनगणना है ठीक है जैसे आप देख रहे हैं अभी जनसंख्या वृद्धि दर तो उस प्रकार से अगर गौर किया जाए तो हम तो कह नहीं सकते अब वो जनगणना संगठन निकालेगा भाई ठीक है सुनने में मत बैठ जाओ कि मैं सर बता देंगे कि प्रथम स्थान में है बिल्कुल मैं ये नहीं बोलता ठीक है चलिए बहरहाल मजाकबाजी यहाँ कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सत्रह दशमलव पाँच प्रतिशत है ठीक है अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि दो दशमलव चार प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ठीक है और जनसंख्या दृष्टिकोण से हमने इसका प्रश्न किया हुआ है सत्रह प्रतिशत वहां लिए थे हम आंसर लेकिन सत्रह दशमलव पांच प्रतिशत है ये भी तथ्य मैंने आपको बताया था चलिए आगे बढ़ते हैं तो दो से दो के बीच भारत की जनसंख्या की दशकी वृद्धि दशकी वृद्धि दर जो है आपका क्या है आपका सत्रह ठीक है ये प्रश्न पूछने वाला है पूछा जा चुका ठीक है बैंकिंग और शहरी ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे अधिक आपका अड़सठ दशमलव आठ प्रतिशत है इस प्रकार के तथ्य भी पूछे जा सकते हैं तो इन्हें भी याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो हजार... के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 रखा गया सॉरी 2045 से जो है आपका 2070 कर दिया गया है ठीक है आपका आप अभी वर्तमान स्थिति से समझ सकते हैं ठीक है ज़्यादा नहीं कहूँगा आगे बढ़ते हैं आइए तो यहाँ दिख रहा है आपको जनसंख्या अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पाई चार्ट इसमें हमें समझना है कि कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या है और उसी प्रकार आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो किस केंद्र शासित में सबसे अधिक जनसंख्या है और किस केंद्र शासित में सबसे कम जनसंख्या आइए देख लेते हैं इसी प्रकार से चार्ट बना हुआ है नॉर्मल ही समझना है और इसी से ही आपको याद करना है बार में बाद में याद करने का कोई प्लान नहीं रखिएगा ठीक है आइए सत्र के साथ इसे याद करते जाइए ठीक है तो ये बढ़ता और कम होता है कि उस स्थिति से अपन क्या ले लिए ये आपका पेन तो दिख रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ठीक है पहले ही बता चुका हूं ठीक है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न बताया था तो 20 करोड़ जनसंख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश में है उसके बाद महाराष्ट्र में है ठीक है सर्वाधिक जनसंख्या ठीक है 11 करोड़ महाराष्ट्र में ठीक उसके बाद सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ठीक है उसके बाद मिजोरम है दस लाख से इस प्रकार याद रखना है अब केंद्र शासित प्रदेश का ठीक है तो ये आपका इस प्रकार कर सकते हैं ये अधिक जनसंख्या और ये न्यूनतम जनसंख्या ठीक है कन्फ्यूज नहीं हो, हो लिख, अगर लिखाया नहीं है तो इस प्रकार से याद करें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश तो याद रखिएगा दिल्ली जो है शासित प्रदेश यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या ठीक है अब या, या आपका लक्षद्वीप जो है वो आपका सबसे कम जनसंख्या चौंसठ हजार जनसंख्या है बस वो ठीक है 2011 के अनुसार ठीक है वर्तमान की स्थिति को भी देखते हुए चलिएगा आगे में मैंने प्रश्न रखा है कि वर्तमान की स्थिति के अनुसार किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो वर्तमान की स्थिति का भी आकलन अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा इन तथ्यों को भी रखना हमारे लिए अनिवार्य है ठीक आगे बढ़ते हैं चलिए आइए अगला हमारा लिंगानुपात सेक्स रेसू जिसको कहा जाता है ठीक है तो लिंगानुपात क्या होता है प्रति एक हजार पुरुष में आपका महिलाओं की संख्या ठीक है महिलाओं की संख्या इस प्रकार से याद रख सकते हैं ठीक तो याद रखिएगा भारत की स्थिति दिखाई दे रहा है क्या नहीं है कोई बात नहीं भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है नौ महिलाओं में आपका ओहो क्यों नहीं लिखाता है भाई आपका 1000 पुरुष है ठीक है इस प्रकार याद रखना है ठीक है कितना नौ ठीक है महिलाओं का सेक्शन बड़ा रखा है मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है ठीक है देखो महिलाएं नाराज ना हो ज्यादा ठीक है तो यहाँ पुरुषों की संख्या उसके पश्चात यहाँ समझ जाते हैं ठीक है अगर बोलेगा आपका 2000 2011 में तो आपका कितना है नौ सौ तिरालीस बट एक हजार ये आपका हो जाएगा मेल और ये आपका हो जाएगा फीमेल ठीक है देखो सबको बराबर रखा हूँ भाई हैं बाद में बहुत बोलना महिलाओं को बड़ा बना दिए सर करके ठीक है आगे बढ़ते हैं आइए अब 2001 का देखें तो आपका है 933 लेकिन प्रश्न अगर पूछने वाला ऐसा प्रश्न तो आगे नहीं रखा गया है अगर प्रश्न पूछने वाला यह कह दे कि 2001 की जनगणना के अनुसार सॉरी 2001 और 2011 की जनगणना का आपका लिंगानुपात का अंतर क्या है तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कितने का अंतर है पुरुष तो भाई समान है ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको दस महिलाओं का अंतर है ठीक है तो यहाँ इंक्रीज हो गया ठीक है इस प्रकार से समझना है तो चलिए आइए देखते हैं बहरहाल ये तो आप लोगों ने स्क्रीन ले लिया होगा अब आगे बढ़ते हैं देखिए राज्य जो है आपका केरल केरल में सबसे ज्यादा लिंगानुपात ठीक है एक चौरासी, बिल्कुल याद करना है डाटा याद करना है सीधा सीधा पूछ देता है डाटा एस बैंकिंग में सीधा सीधा डाटा पूछ देता है कई बार ठीक आपका और राज्य स्तरीय व्यापम व्यापम बीपीएससी वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं तमिलनाडु है फिर उसके बाद ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है उसके बाद है आपका हरियाणा सबसे कम ठीक है ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा वाले राज्य और ये आपका न्यूनतम वाले राज्य सबसे कम वाले ठीक है जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है ठीक इस प्रकार से याद रखना लिंगानुपात समझ बोलने से समझ में आ जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है ठीक है मैंने बताया कि प्रति एक हज़ार पुरुष में महिलाओं की संख्या ठीक है उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा इस प्रकार समझ सकते हैं और आपका दमन दीव में सबसे कम ठीक है इस प्रकार से याद रखना है आगे बढ़ते हैं आइए उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि दर अब जनसंख्या वृद्धि दर क्या है कि आपका वर्ष 2001 से 2011 के बीच में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है और सबसे कम जनसंख्या बढ़ी है इस प्रकार देखें नागालैंड में तो माइनस में चले गया था दिया हो गया देखो ठीक है तो चलिए आइए देखते हैं समझते हैं इसको ठीक है तो ये प्रतिशत में दिया हुआ है याद रखनी याद रखना है मेघालय में जो है सत्ताईस दशमलव नौ प्रतिशत जो है आपका इंक्रीज हुआ है जनसंख्या ठीक है उसी प्रकार आपका अरुणाचल प्रदेश है और आपका यहाँ देखिए नागालैंड में जो है आपका कहाँ चले गया आपका माइनस में चले गया ठीक है तो ये सबसे न्यूनतम केरल यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक सबसे न्यूनतम अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कहीं मत जाइए कहाँ पहुँचना है आपको दादर नागर हवेली और दादर नागर हवेली और दमन दीव को जो कह कर दिया गया है मर्ज कर दिया गया है एक केंद्र शासित प्रदेश का बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 के अनुसार मैंने आपको पिछले सत्र में बता चुका है इसको कई बार ठीक है तो इस प्रकार याद रखना है आपका यहाँ आपका जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार है और आपका लक्षद्वीप में सबसे कम है ठीक है चौंसठ हजार बताए इससे पहले जनसंख्या यहाँ ठीक है तो आइए आगे बढ़ते हैं अब साक्षरता दर क्या होता है देखिए साक्षरता दर जो इस प्रकार से होता है यहाँ लिखा है साक्षरों की संख्या कुल साक्षरों की संख्या और आपका सात वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को इससे डिवाइड कर देते तो हूं आपका साक्षरता दर प्राप्त हो जाता है ठीक है तो भारत की अगर साक्षरता दर कहा जाए तो आपका है चौहत्तर दशमलव याद रखना है कि भारत की साक्षरता दर कहा जाए तो आपका क्या है चौहत्तर दशमलव शून्य चार इस प्रकार से याद रखना है ठीक है तो यही जो है आपका दिखाई दे रहा है कि दो हजार यहां पर जो है डाटा कुछ गड़बड़ है ठीक है तो याद रखना है इसे भारत की जनगणना क्या है आपका साक्षरता क्या है चौहत्तर दशमलव शून्य चार प्रतिशत ठीक है इस प्रकार से याद रखना है ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं आइए 2001 में जो है आपका चौंसठ दशमलव आठ प्रतिशत था ठीक आगे बढ़ते हैं स्त्री और पुरुष साक्षरता साक्षरता में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है ठीक है देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपका कि महिला साक्षरता दर कितना है यहाँ बावन दशमलव एक प्रतिशत दो हज़ार ग्यारह के अनुसार ठीक है और पुरुष यहाँ पर देखिए कितने साक्षर हैं सेवेंटी नाइन पॉइंट टू परसेंट ठीक है तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तो आपका अंतर इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग जो है आपका सेवेंटी नाइन यहाँ पास कर लेते हैं आइए और आपका फिफ्टी टू पॉइंट वन ठीक है तो ये हो गया आपका सत्ताईस एक प्रतिशत का अंतर होगा पूछ बैठा अगर सत्ताईस दशमलव एक प्रतिशत ऐसे लिख लेने ठीक कितना हो जाएगा आपका सत्ताईस दशमलव एक प्रतिशत इस प्रकार से याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है काफ़ी टाइम हो रहा है ठीक है साक्षरता दर साक्षरता दर वाले राज्य जहाँ साक्षरता दर अधिक है और कम है तो ये बताया ये वाला सेक्शन क्या है अधिक वाला है अधिक राज्य वाले वाला है और ये आपका कम वाला है तो क्या है आपका केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो चौरानबे प्रतिशत उसी प्रकार मिजोरम है ठीक है बिहार में सबसे कम साक्षरता दर ठीक है और आपका अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप दिखाई दे रहे यहाँ इंक्यानबे दशमलव आठ प्रतिशत के साथ और सबसे कम कहा जाए तो आपका क्या है यहाँ ऊपर कर देता हूँ समझ में आएगा ठीक है दादर एवं नागर हवेली आपका क्या है सिक्सटी सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू परसेंट के साथ ठीक इस प्रकार के तथ्य याद रखना है आगे बढ़ते हैं ये जनसंख्या घनत्व तो अब जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है तो हमें याद रखना है प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या ठीक है समझ में नहीं आया होगा तो आइए एकदम इजी वे पे समझते हैं आप जिस जगह पे हैं उस जगह से एक किलोमीटर इधर जाइए फिर वापस एक डब्बा बनाइए एक किलोमीटर इधर आइए फिर वापस एक किलोमीटर आइए और वापस आ जाइए एक किलोमीटर ठीक है नहीं समझ में आया होगा तो इसी प्रकार याद रखो कि प्रति एक हज़ार वर्ग किलोमीटर में स्थित यानी रहने वाली जनसंख्या ठीक तो इस प्रकार है तो सबसे अधिक कहाँ है आपका देखो सबसे अधिक कहाँ है जहाँ पास लिटरेसी रेट सबसे कम है बिहार ठीक है कितना है आपका ग्यारह लोग जो रहते हैं आपके जनसंख्या घनत तो फिर पश्चिम बंगाल है सेकंड नंबर पूछा हुआ प्रश्न है ठीक है कई बार पूछा है ठीक अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे कम बताया था पहले वाले को आपके वीडियो में बताया था कि आपका यहाँ पर जो है वन अच्छादित क्षेत्र है और यहाँ पर जो है आपका पहाड़ी पहाड़ वाले क्षेत्र ज्यादा है ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है ठीक तथ्य याद रख सकते हैं कि क्यों से वहाँ जनसंख्या घना तो सबसे कम है ठीक है उसके बाद आपका मिजोरम अगर केंद्रशासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली सबसे ज्यादा है ठीक है यहाँ देखिए ये यह डाटा एकदम एक्स, एक्सेप्शनल है ठीक है अपवादित है ग्यारह ठीक है इसे याद रखना अनिवार्य है हमें ठीक वैसे ही आपका अंडमान निकोबार में 40 लोग प्रति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे इस प्रकार देखिए दिया है यहाँ तथ्य कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा एस टी जनसंख्या मतलब शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं एक होगा आपका एरिया वाइज और आपका एक होगा आपका प्रतिशतता के वाइज प्रतिशत के अनुसार ठीक है तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका एस टी शेड्यूल ट्राइब्स ठीक है हमारा इस प्रकार से याद रखना है ठीक मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका फॉरेस्ट भी है और सबसे ज़्यादा एस भी है ठीक उसके बाद आपसे सबसे ज़्यादा एस टी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है ठीक है यहाँ दिख रहा है छोटा सा प्रतिशत ज़्यादा है जगह कम है प्रतिशत ज़्यादा है ठीक इस प्रकार के तथ्य याद रखने हैं बाकी डिटेलिंग आप खुद जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इसके डिटेलिंग क्लास में आप अच्छी तरह से जनसंख्या के सारे तथ्य समझ सकते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगणना में देश की अनुसूचित जाति ठीक है एससी कितना है 20 करोड़ से अधिक है सबसे ज़्यादा एस सी मिलेंगे आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में ये देखो उत्तर प्रदेश और प्रतिशत के मामले में पंजाब है ठीक है यहाँ दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक पहले से हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी ठीक है था ही नहीं हो गई थी होगा ठीक है आपका देखिए ऑप्शन देखिए अट्ठारह सौ अठहत्तर अट्ठारह सौ इक्यासी अट्ठारह सौ बयानबे अट्ठारह सौ जो बच्चा अच्छे तरीके से डिटेलिंग समझा होगा वो आंसर लगा चुका होगा आपका मैंने बताया नियमित जनसंख्या लॉर्ड रिपन के समय में कब हुई थी आपका अट्ठारह सौ इक्यासी के समय में ठीक है लेकिन जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी तो अट्ठारह सौ बहत्तर लॉर्ड मेयो के समय में ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते इस प्रकार याद रखते हैं वर्ष 2000 प्रश्न क्रमांक दो है हमारा वर्ष 2011 में निम्नांकित में से कौन सा राज्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के संदर्भ में देश में सबसे कम नगरीकृत राज्य है ठीक है तो याद रखना हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य ठीक है दस प्रतिशत क्षेत्र याद रखना है इसका जो कि नगरी वाला क्षेत्र कहलाता है इसका तो प्रश्न क्रमांक तीन है हमारा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ओके okay, देख लेते हैं भारत में सबसे कम लिंग अनुपात पुडुचेरी का है ऐसा तो नहीं है आओ यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कन्फ्यूज नहीं होगा ये कहा गया हमारा साक्षरता दर और आपका लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात किस में बता रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर ठीक है और यहाँ दीव में बता रहा है सबसे कम है ना पुडुचेरी क्या है सबसे अधिक है याद होते जाएगा बिल्कुल ऐसे चार्ट वाइज बना बना के पेपर में बता रहा हूँ मैपिंग कर करके ज्योग्राफी को पढ़ो ताकि सारे तथ्य जो हमें याद हो जाए तो आइए प्रश्न का मांग तीन में इस प्रकार भारत ये हो गया हमारा ए है भारत में सबसे कम लिंगानुपात पुडुचेरी का जबकि सबसे ज़्यादा है ठीक आपका सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है बिल्कुल सही है ठीक है तो यही होगा आंसर भारत में दूसरा सबसे अच्छा लिंग अनुपात केरल का है ऐसा नहीं है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 450 लोग रहते हैं जनसंख्या घना तो भारत का बता रहा है जो कि कितना है तीन ठीक है भारत की जनसंख्या घना तो अगर कहा जाएगा तो कितना है तीन

भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है तो अभी बताया थोड़ी देर पहले कौन सा है आपका पंद्रहवा ठीक है पंद्रहवा है ठीक आगे बढ़ते हैं ये और 2021 का क्या होगा सोलवा होगा 2015 में आपका आज़ादी के बाद अगर कहा जाएगा तो सातवा है तो 2021 का क्या होगा आपका 2021 का आठवा हो जाएगा ठीक है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ठीक है इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये तथ्य हमें याद रखना जरूरी है और जनगणना जो है व्यापम एस एस रेलवे बैंकिंग बीपीएससी सारे प्रश्न का फेवरेट पोर्शन है इससे प्रश्न हमेशा आपको एक से दो प्रश्न देखने को मिलेंगे ठीक है तो इस पोर्शन को किस प्रकार से देखना है प्रश्न इसका किस प्रकार से पढ़ना है मैं बताते हुए चल रहा हूं आपको उस प्रकार से मैंने प्रश्न भी रखे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं प्रश्न का माँ सात है वर्ष दो में भारत की जनसंख्या क्या थी ठीक है अब कोई भी लगा दिया होगा इसका आंसर एक करोड़ करोड़ जनसंख्या रुपये निकल गया भाई ठीक प्रश्न क्रमांक आठ है भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है अनुवर नहीं होगा ये अनुसार होगा ठीक है ओहो हो बोर्ड महोदय मेरे से बहुत ही नाराज हो जाते लो भाई आराम से करता हूं अरे मान जाओ ठीक यहाँ पर सुधार लेना है ना क्या बोल रहा दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है जन आपका जनसंख्या ठीक है तो कहाँ है सबसे जनसंख्या कम सिक्किम बताया था ना सिक्किम होगा देखो ठीक है राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसमें सिक्किम है किस में? में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नौ जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है अब देखिए इसको कैसे समझेंगे ये जो है ये आपका दिख रहा है यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है जननांकी आपका संक्रमण सिद्धांत ये एक जनसंख्या का सिद्धांत है जो वहां के मतलब जिस इस, 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 मतलब जगह जो है जो प्लेस है जो स्थान है स्थान कहा जाए जिसे वहाँ की मृत्यु दर जन्म दर वहाँ की आर्थिक दृष्टिकोण वहाँ की जी डी पी जितनी भी चीज़ें हैं अनदर देन थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं उन पे जो है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जो कि पांच सिद्धांत हैं ठीक है और पांच सिद्धांत किनके द्वारा किया है थॉमसन द्वारा जो है आपका इसके इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर से है ना आपका डब्ल्यू एफ थॉमसन ऐसे वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो है आपका इसे प्रतिपादित किया गया है तो इन सिद्धांतों को जो का जो प्रतिपादन किया गया है उसमें तीव्र वृद्धि का कहां से कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आती है मैं बताया पांच सिद्धांत है इसमें ठीक है पांच अवस्था है बताया मैंने ठीक है तो पांच अवस्था क्या है तो ये हो जाएगा आपकी द्वितीय अवस्था जो है इसमें आपकी जनसंख्या तीव्र होती है प्रथम अवस्था में क्या होता है प्रथम अवस्था में आपका ना कि मृत्यु दर बढ़ती है ना आपका जन्म दर बढ़ता है इस प्रकार से जो कि अभी वर्तमान में कोई दर्ज में कोई देश में नहीं है तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों पर भी विचार करना अनिवार्य है प्रश्न सत्र है प्रश्न सत्र के अनुसार इसे करते जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हें देखना बहुत अनिवार्य है आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम लक्षद्वीप होगा इसका आंसर क्या होगा लक्षद्वीप ठीक है लक्षद्वीप में आपका क्या होगा आपका साक्षरता दर सबसे अधिकतम है केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार आइए प्रश्न का मांग ग्यारह है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है ओके ठीक है तो याद रखना है आपका मिजोरम मिजोरम जो होगा इसका आंसर होगा ठीक है आइए दिखा देता हूँ आपको यहाँ चार्ट में ठीक है पाई चार्ट जो है हमें याद होना चाहिए इसको इतने बार बना लो कि दिमाग में जो है आपका सेट होना हो जाना चाहिए देखिए साक्षरता दर आपका दिख रहा है यहाँ पास केरल केरल के बाद क्या दिखाई दे रहा है मिज़ोरम ठीक है न्यूनतम में बोलेगा तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना अनिवार रहे हैं हमारे लिए ओहो बोर्ड महोदय नाराज मत हो भाई ठीक है कहाँ थे हम यहाँ थे हम मिज़ोरम आंसर लिए प्रश्न कमांग आगे बढ़ते हैं हम आइए 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जिस राज्य में पाया गया है वह है ठीक है देखते हैं दिल्ली महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल उपरोक्त तो में से कोई नहीं बिल्कुल उपरोक्त तो में से कोई नहीं है ठीक है इनमें से कोई नहीं है जहां पर सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या याद रखना है गोवा क्या याद रखना है गोवा ठीक है ऊपर से बाइड होगा गोवा जो है सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न कमा किस जनगणना वर्ष में भारत में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी जनसंख्या विभाजक रेखा कहा जाता है 2021 की जनगणना को ठीक है यहाँ इस समय जो है आपका बहुत ही प्राकृतिक आपदाएं आई थी जिसकी वजह से यहाँ पर आप यहाँ मतलब हमारे भारत देश में आपका जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक रहा है ठीक है इस प्रकार से याद रखना है ये ऐतिहासिक तथ्य है आपका बताया था मैंने लॉर्ड मेयो लॉर्ड रिपन के बारे में उसी प्रकार से यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य वर्ष 2012-14 को आधार मानते हुए किस राज्य के लिंगानुपात के संदर्भ में वर्ष 2013-15 के लिए सबसे अधिक कमी हुई बोला था ना कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस समय की परिस्थिति के अनुसार था आपका गुजरात ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितनी तहसीलें हैं ठीक है अब 2011 की जनगणना के अनुसार है वर्तमान स्थिति भी देखना जरूरी है ठीक है कमेंट बॉक्स पे सब आंसर देंगे जो वर्तमान स्थिति में तहसील का आकलन कर ले ठीक है और कोई बुद्धि लगा सकता है तो वो बिल्कुल आंसर करेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक सोलह है भारत की जनगणना दो के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है आंसर दो ठीक है बिहार में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है आगे बढ़ते हैं ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य बिंदु क्या थे शिशु मृत्यु दर को कम करना बिल्कुल सही है जन्म एवं विवाह का पंजीकरण करना बिल्कुल सही है वो चौदह वर्ष से बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा करना बिल्कुल सही है तो इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी तो इस प्रकार से जो है आपका दो की जनगणना का भी उद्देश्य है उसी प्रकार 2011 की जनगणना का भी उद्देश्य है और आपका 21 की जनगणना के उद्देश्य है प्रश्न सत्र को ज्यादा बड़ा नहीं करना है ठीक आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न का मांग अट्ठारह वर्ष दो की जनगणना में भारत की जनसंख्या घना तो क्या है ठीक है यहां दिख रहा है आपको ये रहा आपका जनसंख्या घना तो बताया था ना आपको मैं प्रति वर्ग किलोमीटर में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घना तो सर्वाधिक है ठीक है बताया हूँ बिहार का जनसंख्या घना तो सबसे सर्वाधिक है ठीक है उसके बाद क्या है आपका पश्चिम बंगाल ठीक आगे बढ़ते हैं दो क्वेश्चन नंबर बीस है भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत दो हजार तीस तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य है क्या होता है भाई ये मातृत्व मृत्यु अनुपात ठीक है याद रखिएगा वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर जो है आपका 103 है अब बताता हूँ मैं आपको मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है जहाँ सुविधा नहीं पहुँच पाती और कुछ कमज़ोरी या कुछ रीज़न की वजह से भी जो है जन्म देने वाली जो माता हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो है आपका इस प्रकार की आपका घटनाएं हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है जो कि अभी वर्तमान में एक है एक है और आपका सत्तर इसका लक्ष्य रखा गया है ठीक है इसको भी लक्ष्य क्यों रखें बिल्कुल जीरो होना चाहिए ठीक आगे बढ़े आइए प्रश्न क्रम आगे इक्कीस है भारत में निम्नलिखित में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय कौन सा है ठीक है तो प्रति हज़ार पुरुषों पर स्त्री स्त्रियों की संख्या यही इसका आंसर होगा ठीक है इस प्रकार से याद रखना बताया हूँ मैं आप लोग को आगे बढ़ते हैं ठीक है भारत में दस लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या क्या है देखते हैं पचास साठ सौ अस्सी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इनमें से कोई नहीं अब बोलोगे सर इसका आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा फिफ्टी थ्री दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य ठीक है सॉरी आपका नगर आगे बढ़ते हैं वर्ष 2011 के बाद भारत की अगली जनगणना आयोजित होगी ठीक है इस आंसर करवाना ही नहीं चाहिए था इसको मेरे को क्या है इसका आंसर 2021 में होगा लेकिन लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल है ठीक है अपवाद है कि अभी तक नहीं हुई है ठीक आगे बढ़ते हैं 2000, sorry, दो हजार सॉरी क्वेश्चन नंबर चौबीस है जनगणना दो हज़ार बोल बोल के दो हज़ार निकल रहा है मेरे मुंह से ठीक है तो क्षमा चाहूँगा बार बार सर दो हजार बोल देते हैं ठीक दो हजार ग्यारह की के अनुसार भारत के स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है ठीक है तो याद रखिएगा दो हजार ग्यारह के अनुसार स्त्री साक्षरता का जो प्रतिशत है वो है आपका पैंसठ दशमलव छियालीस ठीक सॉरी फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स ठीक है इस प्रकार से होगा जबान है भाई तो कभी कभी फिसल जाती है पच्चीस नंबर प्रश्न हमारा वर्ष दो की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है तो सत्रह प्रतिशत सॉरी आगे बढ़ते हैं छब्बीस नंबर है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है दस वर्षों में की जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है ठीक है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है आपका जनसंख्या के आकार से बोल रहा है ठीक है तो सिक्किम मैं है मैंने पहले बताया इसका प्रश्न एक बार और कर चुके हैं अपन लोग आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न क्रमांक उन्तीस है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है याद रखिएगा 16.50 है ठीक है इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इन प्रश्नों को याद रखना अनिवार्य है आइए आगे बढ़ते हैं ठीक अब ये रहा आपका लास्ट जो सेशन मैंने कराया था उसका प्रश्न का आंसर ठीक है आंसर तो नहीं दिखा रहा है चलो मैं बता देता हूँ लिमली क्षेत्र में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास है नीलगिरी वाले क्षेत्र में मिलते हैं टोडा जनजाति तो हमेशा रेड पेन से दिखाई देता है तो टोडा जनजाति याद रखिएगा नीलगिरी वाले क्षेत्र में कर्नाटक तमिल तमिलनाडु और आपका केरल वाले क्षेत्र में टोडा जनजातियों का विस्तार है तो जनजाति से जो प्रश्न किए थे उनमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट थे बिल्कुल याद रखना जरूरी है अब यह रहा आज का प्रश्न जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है इसी के साथ छात्रों में इजाजत चाहूंगा जय हिंद